जय हिंद साथियों। और साथियों, आज दूसरा दिन रहा है बिहार पुलिस फायरमैन का, और आप हर दिन देखते हैं, चाहे वो कम्युनिटी पोस्ट हो चाहे वीडियो हो, जो परफॉर्मेंस है वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सफलता बताने वाली चीज नहीं है, वो खुद ब खुद शोर मचा देती है। अभी हमारे बीच यहाँ पर दो लड़कियाँ उपस्थित है, बाकी आएगी, बाकी का आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में फोटो भी देखते होंगे। तो इन सभी को, इन लोगों की जो आज सफलता रही, इनके सफलता के साथ साथ हमारी टीम के भी ये बहुत बड़ी सफलता रहती है, उपलब्धि रहती है। हर एक भर्ती में लड़कियों की बात करें तो पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में गर्व के साथ ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा लड़कियाँ यहाँ पर ट्रेनिंग करती है। आप लोग वीडियो के माध्यम से भी देखते होंगे कि कितनी भीड़ रहती है लड़कियों की। तो ये हमारी टीम के लिए बहुत ही गौरवान्वित पल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बहनें उस गांव, समाज, उस शहर, उस कस्बे से उठकर आती है एक विश्वास, एक उम्मीद के साथ कि जाना है गुरुजी डिफेंस एकेडमी, और अपने सपने को सच करती है यहां पर आकर दिन दुनी रात चौगुनी मेहनत कर। तो साथियों देख रहे हैं, जानते हैं सबसे पहले इन लोगों का नाम, जिला और कैसे इनकी तैयारी रही। क्या नाम है? तनुजा कुमारी। कौन सा जिला? समस्तीपुर। नेक्स्ट? कोमल कुमारी। जिला? वाह, ये दोनों लोग समस्तीपुर से हैं, और बहुत सारी बहनें अभी नहीं पहुंची है, उन सभी को भी, जितने सारे लोग फिजिकल क्वालिफाई किए, सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई है। यदि कुछ लोग छठे भी होंगे, बहुत सारे लोग, क्या होता है कि परीक्षा में सभी पास नहीं होते, कुछ फेल भी होते हैं, तो उनको भी नहीं भूल पाएंगे, उनके लिए पूरी टीम की ओर से संवेदना है, और यही कहना चाहेंगे कि जहाँ कुछ कमियाँ रहे उसमें सुधार करने की कोशिश करें। तो के लिए मैसेज देना चाहेंगे, बाकी लड़कों का जो फिजिकल है आने वाले दिनों में, उनको क्या मैसेज संदेश देना चाहते हो? क्योंकि आप बहुत अच्छा दौड़ते हैं, ये सारे टीम को पता होगा, या बहुत सारी लड़की, आप तो ग्राउंड में भी गए हो तो बोलती होगी कि गुरु जी के वीडियो में देखे होंगे, ऐसा कोई नहीं? मतलब जो मेहनत यहाँ भी लड़का भैया लोग को भी बोल रहे हैं, जो मेहनत यहाँ किए होंगे उससे कहीं का टाइमिंग वहाँ अच्छा है। अच्छा, भैया लोग तो और अच्छा है, हम लोग थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा और चढ़ के है। हाँ नहीं, वहाँ टर्निंग पर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ताकि टर्निंग थोड़ा सा ऊँचा। अब बाकी हाई जंप तो यहाँ हम तीन चार क्वालिफाई करते थे, वहाँ तीन आठ ही क्वालिफाई किए हो, क्या बात है। 15+ भी है। रनिंग क्या टाइम पता तो नहीं चला, लेकिन नहीं समझ, 40 नंबर कन्फर्म है। पहले आपका टाइमिंग क्या होता था? हमेशा 55-56 में आते थे। ये चाहती तो बोल सकती थी कि पूरे 50 अंक हो सकता है, लेकिन आपने 40 अंक बोला है। ये चीज होता है कि चलो, अच्छा यहाँ से अच्छा है, वहाँ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अच्छा आता है। क्या कहना चाहोगे बाकी? तुम कितना हाई जंप किए हो? 3 ही किए हो। क्यों? क्योंकि रनिंग के बाद बेहोश हो गए। क्यों? कितना बजे रनिंग था आपका? कितना बजे रनिंग हुआ आपका? 10:30 बजे तो रनिंग खत्म हो गया। बेहोश क्यों हो गए? कुछ लिए नहीं थे टाइम? रनिंग के बाद बेहोश हो गए, तो फिर तो कुछ टाइम मिला होगा हाई जंप करने के लिए। 5-10 मिला। क्या गलतियाँ की है जो आपको चक्कर आ गया? क्यों, रात में नींद नहीं आई? नहीं आई थी। तो फिर कुछ नहीं लिए थे सुबह से 10:30 बजे तक? क्या लिए थे? थोड़ा एनर्जी ड्रिंक। कुछ डाइट नहीं लिए थे? जैसे सस्पेंड हो गया, बताया जाता है ना, कुछ लिए थे। अच्छा कोई बात नहीं, तो आप रनिंग में माने बेहतर प्रदर्शन करने के चक्कर में पूरा एफर्ट लगाए, और फाइनली माने केवल उसी में आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा गड़बड़ रहा है, क्योंकि आप नॉर्मली 3-4 आसानी से करते हैं, इसलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट आप बोला कितना किए? 15+ किए, यानी 21 नंबर। तो साथी हुए देखे, बाकी लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो आपने गलतियाँ की हो या जो कुछ आपने वहाँ से अनुभव लिया हो, ताकि ये लोग कुछ वो गलतियाँ ना करें? बस डरना नहीं है, पूरा अपना हिम्मत से हारना नहीं है और अच्छा से करना। वहाँ पे हेल्प किया जाता है ना बहुत? हाँ, हाँ, और जिनका वजन कम है उनको डरना नहीं ना? हाँ, इसलिए डरने की कोई बात नहीं, बहुत हेल्प किया जाएगा। एक बार सारे बहनों का जिनका फिजिकल कल है, बहुत सारे भाइयों का जिनका आने वाले दिनों में फिजिकल है, सभी को पूरी टीम गुरुजी की ओर से आप सभी को ढेरों सारी शुभकामना, बधाई है। इनकी सफलता ही हमारी पहचान है। जय हिंद।